हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी का आपका एग्जैक्ट कौन से डेट से एग्जाम स्टार्ट होगा, लेवल 2, लेवल 3 और 5 का, और एग्जैक्टली कौन से डेट पे ये एग्जाम समाप्त हो जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी क्लियर करूंगा कि कौन से लेवल का एग्जाम सबसे पहले होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन से डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली आपका बात करें, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन है 12 जून के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि आपका एग्जाम जो है वो एग्जैक्टली 13 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट फ्रेंड ये 4 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, देखिए 4 जुलाई तक ये चलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि 5 जुलाई से आपका जो है वो SSC MTS का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 5 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में SSC MTS का एग्जाम चलेगा और उसके बाद एंड ऑफ जुलाई से आपका RRB ग्रुप डी का एग्जाम चलने वाला है। ऐसी स्थिति में आपका NTPC का लेवल 2, 3, 5 के लिए 12 जून के बाद और आपका 5 जुलाई के बीच में समय बचता है। तो इसी समय गैप के भीतर आपका लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 5 का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से लेवल का एग्जाम सबसे पहले होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ना कि आपका लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया है। ठीक है, तो लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका एग्जाम वो 9 मई और 10 मई को कंडक्ट करवा लिया गया। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि लेवल 2, 3, 5 में से कौन से एग्जाम पहले होगा। तो लेवल 5 का आपका एग्जाम जो है वो सबसे पहले होगा फ्रेंड्स, लेवल 5 का एग्जाम सबसे पहले होगा। इसके पीछे का जेन्युइन रीज़न ये है फ्रेंड्स कि लेवल 5 ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, इस वजह से सबसे पहले आपका लेवल 5 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका लेवल 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि देखिए लेवल 3 का जो कट ऑफ है वो लेवल 5 के मुकाबले में कम गया है और इसके अंदर ना इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी दोनों शामिल हैं। तो इसके अंदर जो है वो अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है, इस वजह से इसका एग्ज़ाम जो है वो लेवल 5 के एग्ज़ाम के बाद होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्थिति में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लेवल 2 का होने वाला है। अंतिम फेज़ में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो लेवल 2 का होगा, क्योंकि लेवल 2 का कट ऑफ लेवल 5, लेवल 3, लेवल 4, मतलब सारे लेवल के मुकाबले सबसे कम गया है। ऐसी स्थिति में इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और साथ में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों के अभ्यर्थी इसमें शामिल है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो सबसे लास्ट कराया जाएगा और कम से कम 3 से 4 दिन इसके एग्ज़ाम में लगेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कई शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और NTPC से जुड़ी सभी अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।